अरे नहीं, क्या तुमने ये खबर सुनी लिटिल किटी? इंडिया में कुछ कोविड 19 के मरीजों को ब्लैक फंगस नाम का इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, अब ये क्या है? Well, अब तो वो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। हे दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में आइए हम सब मिलकर जानते हैं इस नए एपिडेमिक के बारे में और ढूंढते हैं जवाब एक बहुत ही खास सवाल का। क्या होता है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन? ज़ूम इन। दोस्तों, हमारी ये दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रही है और इस खतरनाक पैंडेमिक के बीच इंडिया के कई सारे अस्पतालों से खबर आ रही है एक नए फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसका नाम है म्यूकोमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस। दोस्तों, ये इन्फेक्शन एक तरह के फंगी के संपर्क में आने से होता है, जो है म्यूकोमाइसाइट्स, जो कि साइंटिफिक ऑर्डर म्यूकोरालिस का हिस्सा होता है। और इस इन्फेक्शन की जिम्मेदारी है इनकी कुछ आम स्पीशीज जैसे राइजोपस स्पीशीज और म्यूकस स्पीशीज। ये फंगस रेयर नहीं होता और कहीं भी पाया जा सकता है, खास करके सॉयल, प्लांट्स, डंग और पुराने हो रहे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। और चूंकि इनके बहुत ही छोटे फंगल स्पोर्स हवा में तैरते रहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इनके संपर्क में ना आ पाएं, जैसे सांस लेते समय या किसी कट, बर्न या किसी स्किन इंजरीज की वजह से। हालांकि ये ज्यादातर लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है किसी हेल्थ कंडीशन जैसे डायबिटीज की वजह से, उन्हें माइक्रोमाइसाइट्स स्पोर्स इन्फेक्ट कर सकता है उनके लंग्स या साइनसिस में, जो कि शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है, यहां तक कि ब्रेन में भी। और दोस्तों, जब ऐसा होता है तब इंसान को बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि बुखार, साइनस पेन या चेहरे के एक तरफ नाक का ब्लॉक हो जाना, एक तरफ सरदर्द, सूजन या सुन्न हो जाना, दांत में दर्द या दांतों का ढीला हो जाना। और स्किन म्यूकोमाइकोसिस के केस में आपको छाले या अल्सर्स हो सकते हैं और इन्फेक्शन वाली जगह काली पड़ सकती है। पर क्योंकि ये इन्फेक्शन आम तौर पर पहले से बीमार लोगों को होता है मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि म्यूकोमाइकोसिस की वजह से कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आपको बताए गए सिम्टम्स में से कुछ भी है, तो जरूरी है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, सिम्टम्स समझेंगे, फिजिकल एग्जाम लेंगे और कुछ टेस्ट से म्यूकोमाइकोसिस का पता लगाएंगे। और अगर उनको लगता है कि किसी को म्यूकोमाइकोसिस है उनके लंग्स या साइनसिस में, तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लूइड का एक सैंपल लिया जाएगा, जिससे उस पर और टेस्ट किए जा सकें और रिजल्ट के आधार पर डॉक्टर आपको देंगे एंटी फंगल दवाइयां या फिर सर्जरी से इन्फेक्टेड टिश्यू को बाहर निकाल दिया जाएगा। पर दोस्तों, एक जरूरी सवाल अब भी बाकी है। वो क्या चीज है जिसकी वजह से इस कोविड से जुड़े म्यूकोमाइकोसिस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? Well, कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि ये स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से होता है। हाँ, कोरोना वायरस और बाकी कंडीशंस की वजह से एक चीज हो सकती है जिसे कहते हैं साइटोकेन स्टॉर्म। ये इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है जिसे रोक पाना मुश्किल होता है, जो कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसे रोकने के लिए डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स की सलाह देते हैं। लेकिन ऐसा करने से बॉडी का डिफेंस कमजोर हो सकता है और शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिससे इन फंगस को पनपने और बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि बाकी फंगस की तरह ये भी फैलता नहीं है, ना इंसानों से इंसानों को और ना ही इंसानों से जानवरों को। और अपने आप को इस फंगस से बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हाइजीन का ध्यान रखा जाए, जैसे कि बहुत अच्छी तरह से नहाया जाए, दिन में दो बार ब्रश किया जाए और बाहर जाते वक्त बंद जूते, लंबी पतलून, दस्ताने और फेस मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें।
उम्मीद है आपने आज कुछ नया सीखा होगा। तो अपनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं आपका डॉक्टर बायनॉक्स, जूमिंग आउट। अरे ऐसा नहीं करना है।